Hello dear student, my name is Anil Mugre and today in this video I will teach you class 9 force and laws of motion chapters one numerical example. And this is a hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बताता है कि एक हैमर जो है जिसका मास 500 ग्राम है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है हैमर, और स्पीड क्या है हैमर का 50 मीटर पर सेकंड, और वो स्ट्राइक करता है एक नेल को, ठीक है, नेल को स्ट्राइक करता है हैमर और स्टॉप हो जाता है, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद में नेल को स्ट्राइक करने के बाद हैमर स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होता है कितने 0.01 सेकंड में. अब आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर. हैमर के ऊपर में जो फोर्स लगाया गया है नेल के थ्रू वो कितना फोर्स है उसको आपको निकालना है. तो चलिए इसको बनाते हैं. मास ऑफ हैमर, मास ऑफ हैमर कितना है, इसको स्मॉल एम ले लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 0.5 केजी, ठीक है, क्योंकि ये हमको स्टैंडर्ड यूनिट मास का पता है केजी होता है, इसलिए हम ग्राम को केजी में चेंज करेंगे. ये हो गया आपका. अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैमर, हैमर के इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपने हमारे पास में 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां पर दिया है स्ट्राइक करता है क्योंकि शुरू में हैमर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसका है. अब उसके बाद में अब स्टॉप हो जाता है हैमर, टाइम टेकन बाय नेल टू स्टॉप द हैमर, तो हैमर कितने टाइम में स्टॉप हो जाता है नेल के थ्रू, वो होता है 0.01 सेकंड, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सारे वैल्यू यहाँ पर दिए हैं और एक वैल्यू और है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हैमर. बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हैमर. यस एग्जैक्टली इट विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि जैसे ही फोर्स के थ्रू में, कुछ फोर्स के थ्रू में हैमर के द्वारा नेल के ऊपर में स्ट्राइक किया गया है तो कुछ समय के बाद में नेल क्या हो जाता है, रोक देता है हैमर को, ठीक है, और हैमर रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हैमर का क्या होगा, जीरो. यस जीरो विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हैमर, फाइनल वेलोसिटी जीरो. तो ये 0 मीटर पर सेकंड हो गया फाइनल वेलोसिटी. अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाई टी, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. आप देखिए इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू यहां पर दिया है ये सारे को यहां पुट करेंगे तो एफ का वैल्यू हमको मिल जाएगा. चलिए पुट करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है हमारे पास में 0.5, ठीक है 0.5, उसके बाद वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, जीरो, क्योंकि हैमर रुक जाता है. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या दिए हैं, 50 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 50. अब उसके बाद में टाइम टेकन कितना दिया हमारे पास में 0.01. अब ये सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. इसको हम लिख सकते हैं 5/10, है ना, ये हो जाएगा आपका इनटू माइनस 50, जीरो में से 50 गया, ये हो जाएगा माइनस 50,
और ये 1 बाई क्या हो जाएगा 100, 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा -25, है ना। अब -25 और ये हो जाएगा 1/100। अब ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -25 × 100 कितना हो जाएगा, -25 × 100, तो ये हो जाएगा -F = -2500, और ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, -2500 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स हैमर लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, नेल के ऊपर में, तो यहां पर लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ द हैमर ऑन द नेल इज -2500 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो नेल का फोर्स क्या होगा हैमर के ऊपर में, तो उसके बाद आप लिखिए वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन फोर्स देर इज रिएक्शन फोर्स विच इज इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द फोर्स ऑन द हैमर बाय नेल विल बी 2500 न्यूटन एंड इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर -2500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर क्या होगा, +2500 न्यूटन, ये आंसर होगा आपका, नोट कर लीजिए। द फोर्स ऑन द हैमर बाय द नेल विल बी -2500 न्यूटन, सो यू कैन नोट इट।